अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाने वाले हैं चिकन वेज मैंचू सूप, जिसके लिए नूडल्स लिए हैं मैंने आधा पैकेट। पहले उबालेंगे, दो गिलास पानी लिया पैन में, आधा चाय का चम्मच नमक और एक खाने का चम्मच तेल शामिल करके उबाल लिया है। फिर उबल जाएं तो नूडल्स निकाल लें, ठंडे हो जाएं तो फिर इसमें एक खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करें, अच्छी तरह मिक्स करें और नूडल्स को डीप फ्राई कर लें। चिकन की पहले से यखनी मैंने बना ली है और चिकन भी रेशा कर ली है। कढ़ाई में 3 खाने के चम्मच तेल शामिल करें, 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटी हरी प्याज भी 4 खाने के चम्मच शामिल करें। साथ ही आधा कप बारीक कटी गाजर और आधा कप भुट्टे के दाने उबले हुए शामिल करें, 2 मिनट पकाएं। फिर शिमला मिर्च शामिल करें, 2 मिनट पकाएं। फिर आधा कप बारीक कटी बंद गोभी शामिल करें, 2 मिनट पकाएं तेज़ आंच पर। रेशा की हुई चिकन शामिल करें 200 ग्राम। 3 खाने के चम्मच सोया सॉस शामिल करें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। 2 खाने के चम्मच चिली सॉस शामिल करें, 4 खाने के चम्मच केचप शामिल करें। सोया सॉस पसंद हो तो आप 4 खाने के चम्मच भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच कुटी काली मिर्च शामिल करें, 1 खाने का चम्मच सिरका शामिल करें। अब 3 गिलास यखनी शामिल कर दें। नमक सेट करें अपने टेस्ट के मुताबिक। 5 मिनट यखनी पक जाए तो फिर कॉर्नफ्लोर से गाढ़ा करें। 2 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें पानी शामिल किया, हल करके अब थोड़ा थोड़ा शामिल करें। जितना गाढ़ा आपको सूप रखना है इतना ही शामिल करें, बाकी रोक दें। 3 मिनट पक जाए तो फिर हरी प्याज का हरा हिस्सा शामिल कर दें, 4 खाने के चम्मच। सूप बिल्कुल तैयार है। ऊपर जो नूडल्स फ्राई किए हैं वो शामिल करें, हरा धनिया शामिल करें, फिर एंजॉय करें। आप लोग भी बनाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।